हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सिक्स स्टैंडर्ड में से सेवन स्टैंडर्ड में आ गए होंगे और वेकेशन में खूब एंजॉय किया होगा। अब आपका वेकेशन फिनिश हो गया है और पढ़ने का चालू हो गया है, तो आज हम स्टैंडर्ड सेवन इंग्लिश यूनिट वन करेंगे। द वर्ड इज बस। सबसे पहले दो पजल दी गई है, तो फर्स्ट पजल का आंसर है वोटर और सेकंड का आंसर है गॉड। इट इज़ द वर्शिप, हम जिसकी पूजा करते हैं, जो हमें लाइफ देता है और ऑल्सो डेथ भी देता है, वो कौन है? गॉड। तो अब नीचे जो पिक्चर दिया है वो भी आप देखते होंगे, द सेव वाटर सेव लाइफ एंड द सेव वर्ल्ड। हमें पानी बचाना चाहिए क्योंकि पानी से ही हमारा जीवन है। देर इज़ नो वाटर देर इज़ नो लाइफ। तो इसे वाटर हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है, हमारा अस्तित्व है वो वाटर से। बिना वाटर हमारी लाइफ भी का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इसीलिए लिखा है कि सेव वाटर सेव लाइफ एंड सेव वर्ल्ड। तो वाटर बचाओ, लाइफ बचाओ और वर्ल्ड को भी बचाना है। तो वाटर फॉर ह्यूमन, वाटर इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड इसेंशियल फॉर अवर एक्सिस्टेंस। वाटर हमारा हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्व का जरूरी इसे जरूरी तत्व है। तो इट कीप्स अवर बॉडी टेम्परेचर 36.8 सेल्सियस फ्रॉम पार्ट ऑफ ब्लड, हेल्प कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू अवर सेल्स एंड रिमूव वेस्ट मटीरियल फॉर अवर बॉडी। तो वाटर क्या करता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर को बनाए रखता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और को कैरी करने में भी मदद करता है। वो जो वेस्ट पार्ट है वो हमारे बॉडी से निकालने में भी वाटर का महत्व का रोल है। वाटर कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी, वाटर हमें क्लीन स्वच्छ एंड तंदुरुस्त रखता है। वी यूज़ वाटर टू कुक फूड, वॉश यूटेंसिल्स, क्लीन डिफरेंट थिंग्स, वाटर द प्लांट एंड फ्लश द टॉयलेट्स। वी ऑल्सो यूज रिक्रिएशन लाइक स्विमिंग, सेलिंग, फिशिंग। वाटर इज वेरी इसेंशियल। ये जो सब गिना है वो वाटर के यूज है। इससे हम यूटेंसिल्स बर्तन धोते हैं, खाना पकाते हैं और डिफरेंट प्लांट को भी हम वाटर देते हैं, टॉयलेट में भी वाटर का यूज़ होता है। वी ऑल्सो यूज और हम स्विमिंग में, सेलिंग में, फिशिंग में, सबके लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी है। पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन, जो पर्सन है वो फूड के बिना 30 डेज रह सकता है, लेकिन पानी के बिना एक वीक भी नहीं रह सकता है। वी यूज वाटर फॉर मैनी थिंग्स इन अवर डे एंड लाइफ, हमारी सारे दिन की लाइफ में हम वाटर का बहुत ही यूज़ करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए भी क्या जरूरी है, वाटर जरूरी है। एंड वाटर हैबिटेट फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत है, और प्लांट भी वाटर के बिना नहीं बड़े हो सकते, नहीं जिंदा रह सकते। वाटर में और बिजली की प्रोडक्शन के भी वाटर जरूरी है, और इंडस्ट्री के लिए भी वाटर जरूरी है। तो ये इस तरह वाटर का हमारी लाइफ में कितना महत्व है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्टिविटी 3 करेंगे और आगे में के आपको समझाया है, यूज़ ओनली एज मच एज वाटर, जितना वाटर आपको चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए। क्लोज द टैप टाइटली आफ्टर यूज, तो आप जो यूज़ कर लो टैप, अरे वाटर का तो टैप, इसको टैप में जो नल है उसको बराबर बंद करना चाहिए। यूज़ बकेट वाइल, आप जब शावर लेते हो, नहाते हो, बाथ लेते हो, तब बकेट का यूज़, बकेट में डोल का यूज़ करना चाहिए, शावर नहीं लेना चाहिए।
throw garbage near water source when it on picnic. ये wrong है कि garbage है वो river के नज़दीक नहीं फेंकना, picnic में जाओ तब garbage है वो water के पास नहीं फेंकना चाहिए. ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन, हाँ ये बराबर है कि ट्री प्लांटेशन ट्री को प्लांट करने का एक्टिविटी करनी चाहिए. थ्रो पूजा ऑफरिंग इन टू रिवर्स और पॉन्ड्स नियर बाय, तो जो पूजा किया है उसका सामान हमें रिवर में नहीं फेंकना चाहिए, रिवर के तालाब में नहीं फेंकना चाहिए. थ्रो पूजा फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द पीपल एंड डिस्कस वे कन्विंसिंग कंसर्विंग वाटर, ये बरोबर है. वॉश योर व्हीकल इन द रिवर, आपके आपके जो व्हीकल है वो रिवर और पॉन्ड्स के नज़दीक नहीं वॉश करना चाहिए. यूज़ वाटर जब इंस्टेड रनिंग वाटर बाय ब्रशिंग, जब ब्रश करते हो तो नल को खुला रख के ब्रश करना नहीं चाहिए.